जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। मेरे यकीन करो, उस पर हाथ नहीं उठाती। हमारे माँ बाप ने तो हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं की कि हम किसी पर हाथ उठाए। रोइए मत, बस आज के बाद वो आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगी। मैं उसको समझाऊं, वो कभी नीचे ही नहीं आएगी, ठीक है? बल्कि वो तो क्या, इस घर का कोई फर्द भी आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। तुम्हारी बीवी के सिवाय किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ कह सके। तुमने उसे सर चढ़ा रखा है। अरे क्या हो गया अगर बाप तुम्हें, क्या ऐसा घोल के पिला दिया उसने तुम्हें? तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बन गई है सर बाप। तो क्या करूं आपा, छोड़ दूं, तलाक दे देता हूं उसको। हाँ क्या कह रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? खबरदार जो ऐसा कुछ किया। तो मर्दों के पास बस यही हाल है कि तलाक दे दी जाए। समझाओ उसे, समझाते क्यों नहीं? ये बच्ची थोड़ी ना है वो, कि रोज आऊं उसकी क्लास लूं, उसको समझाऊं बुझाऊं। अरे पापा मैं तंग आ गया उस शिक्षक से यार। ये जाता मैं सारी जिंदगी उसके ताने सुनती रहूं, यही चाहते हो ना तुम? सर बाप तुम्हें समझाना पड़ेगा वरना इस घर का शहराजा बिखर जाएगा। ओके ओके। मी बाबा, सर बाप बहुत अपसेट है उसकी वजह से, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं फैक्ट्री से आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, और मेरे जिम्मे इस घर के अखराजात उठाना है, ना कि इसके झगड़े सुलझाना है। प्लीज आपस में सॉर्ट आउट कर लिया करें आप प्लीज। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई खुद ही मुंह भर के तुम्हें बोल दे कि हम तो आपा तुमसे तंग आ गए। कितना दुख होगा ना तुम्हें, बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि चुपचाप इस घर के किसी कोने में पड़ी रहो। पहले अंकल और आंटी को मेरे खिलाफ वरगलाया, अब आपके कान भर रही है। मुझे समझ नहीं आता ये फायदा आप मुझसे आखिर चाहती क्या है, क्यों सबको मेरे खिलाफ कर रही है? मुझे लगता है कि तलाक के बाद से ना इनका दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल सटिया गई है। तमीज से बात करो,
बड़ी बहन है मेरी वो। नहीं, वो सिर्फ आपकी बड़ी बहन नहीं है, मेरी भी बड़ी बहन है। खुदा जानता है मैंने उन्हें हमेशा बड़ी बहन का दर्जा ही दिया। उन्होंने जो कहा हमेशा मैंने उनकी बातें मानी है, उनकी इज्जत की है, कभी उनके सामने कोई सवाल नहीं किया, कभी उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो साबरा से जाकर पूछ ले, घर के नौकरों से पूछ ले, किस तरह सबके सामने उन्होंने आज मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की, और तो और मुझ पर हाथ भी उठाया, और मैंने उफ तक नहीं किया। इसी वजह से कि अभी अभी उनकी तलाक हुई है, सेंसिटिव है, अगर मैंने कुछ कह दिया तो ना जाने वो क्या करेंगी। अच्छा, और वो तो कह रही थी कि तुम उनको तलाक के ताने देती हो। अल्लाह तौबा, नहीं नहीं, झूठ बोल रही है, कसम ले ले मुझसे। बहुत झूठ बोलती हैं आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपा क्यों मुझे सबकी नजरों में जलील करना चाहती है। जब से तलाक हुई है ना, आपा बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर वक्त झगड़ा करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। अब अगर उनके शौहर ने उनसे बेवफाई की है तो उसमें मेरा क्या कसूर है, मुझसे किस बात का इंतकाम ले रही है वो। Stop it! Enough! अरे बाहर से आता हूं, काम का स्ट्रेस होता है, घर आता हूं तुम लोगों की चिक-चिक शुरू हो जाती है, अभी उनकी शिकायतें सुन के या तुमने शिकायतों का पलंदा खोल दिया, अब थक गया हूं मैं यार। तंग आ गया तुम लोगों से, इस घर के एक एक फर्द से। सॉरी जरबाब, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं। वो मैं तो बस आपको घर के हालात बता रही थी कि घर में चल क्या रहा है। अच्छा छोड़े इन बातों, आप मुझे बताएं आपके लिए चाय बना कर लाऊं, आपका सर दबा दूं। फायजा मैडम, तुम तो अपना बुरिया बिस्तर आप बांध ही लो, क्योंकि ज्यादा दिन तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। इनकार कर दिया उसने? क्यों इनकार कर दिया? इतना अच्छा रिश्ता कहां से मिलेगा? तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? मैं उसे क्या कहती? जब उसने साफ-साफ कह दिया कि उसे अभी शादी नहीं करनी तो। अरे वो तो पागल है, जज्बाती है, तुम्हें बात करनी चाहिए थी उससे। इतनी लंबी जिंदगी है, शादी के बगैर कैसे गुजारेगी? तुम कहो तो मैं बात करूं उससे। नहीं, आप रहने दें, मैं ही कुछ करती हूं। तुमने करना होता तो कर चुकी होती अब तक। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? 6 महीने से घर पे बैठी हुई है जवान लड़की, क्या करोगी? देखो, अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं उससे बात करूंगा। नहीं, आप इस वक्त उससे कोई बात नहीं करेंगे। अगर हम उस पे दबाव डालेंगे तो उसे लगेगा कि वो हम पे बोझ है और वो ये घर छोड़ के किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो मुझ पे बोझ नहीं है, बल्कि उसने तो इस घर का आधा बोझ खुद उठाया हुआ है। लेकिन
मैं इतना खुदगर्ज और कमीना नहीं हूं कि साली की कमाई से फायदा उठाने के लिए उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूं भी नहीं। मैं जानती हूं और मुझे आपकी नीयत पे जरा भी शक नहीं है, मगर हम लोग उस पे दबाव नहीं डाल सकते। उसे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। कुछ भी हो वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बार उससे बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात सुनेगी भी और समझेगी भी। तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत ने इसे मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया। मैं तो इस घर से माने जान के तानों से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने रिजवान से शादी की हामी भरी थी। मुझे क्या पता था कि एक बार फिर से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़े। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम देखना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख के तुम्हारी जल्द शादी करवा। अभी भी ये बात कर कि आपके इतने बड़े घर में मेरे लिए थोड़ी सी जगह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, मगर तुम्हारा असल घर तुम्हारे शौहर का घर होगा। वो घर मेरी किस्मत में होता तो ये सब ना होता जो हो रहा है। तो बस अपने आप से एक ही सवाल करती कि जो कुछ भी हो रहा है वो हो क्यों रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्यों? क्या तुम्हें मैडम शेवार के बेटे पे एतराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उनसे कभी मिली भी नहीं। इसलिए कि उसकी एक बेटी भी है? नहीं आपी, जोया तो बहुत प्यारी बच्ची है। और बच्चों के मामले में मैं अपने पराए की कायल नहीं हूं, ये बात आप जानती हैं। तो फिर ये कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा। अरे माशाल्लाह अम्मी, मैं पप्पू बन गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। नवाल कैसी है? नवाल बिल्कुल ठीक ठाक है वो, बल्कि अभी डिस्चार्ज होगी तो आपसे बात करवाता हूँ। मुझे तस्वीर तो दिखा दो मेरी पोती की। तस्वीर की क्या जरूरत है, अभी मैं लाइव कॉल पे आपसे बात करवाता हूँ, ठीक है? ये देखें, ये है आपकी छोटी सी प्यारी सी पोती। माशाल्लाह कितनी प्यारी है अम्मी, इसके तो नए नक्श बिल्कुल नवीन जैसे हैं। लग रहा छोटी सी नवीन दुनिया में आ गई हो। इसीलिए मैंने इसका नाम भी नवीन ही रखा है। क्या? जी अम्मी। और अब देखें इसके नए नक्श भी बिल्कुल नवीन जैसे हैं। कितना मजा आएगा।
बच्चों की घर में आवाजें आएंगी, मैं उनके साथ खेलूंगी। मैंने सोच लिया नाम मैं रखूंगी दोनों के। जी नहीं, बड़ी फुप्पो मैं हूँ इसलिए अम्मी मैं बता रही हूँ नाम मैं ही रखूंगी। एक सेकंड भाई भाई, मैंने आपसे कहा था नाम मैं रखूंगी, है ना? मैं ही रखूंगी नाम। काश मैं अपनी नवीन को अपनी गोद में बिठा सकती, उसका माथा चूम सकती। अम्मी खुशी का मौका है। रोई तो नहीं ना? सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारी नवीन को वापस हमारी जिंदगी में दे दिया। अम्मी देखिए, हाँ। ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी नवीन जैसी, हाँ, जैसे छोटी सी फरिश्ता जैसी मासूम। अम्मी उदास तो ना हो, मैं बहुत जल्द इसको लाऊंगा ना आपसे मिलवाने के लिए। उजाला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए बख्तियार भाई। क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ? बख्तियार भाई, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको क्या बात करनी है। हाँ, समझ तो तुम सकती हो, लेकिन मेरा बात करना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है उजाला। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक अच्छी ताबेदार बहन की तरह मेरी बात सुनोगी और उस पर अमल करोगी। भाई प्लीज, आप मुझे प्रेशराइज मत करें, वरना तुम घर छोड़ के चली जाओगी हॉस्टल, है ना? नहीं भाई, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी बहुत लंबी है उजाला, बहुत बड़ा इम्तिहान हो जाता है अकेले रहना, और तुम तो इतनी अक्लमंद हो, समझदार हो, बेहतरीन फैसले खुद कर सकती हो। दीन भी तुम्हें इसकी इजाजत देता है, अपनी मर्जी का शरीके हयात चुनो और उसके साथ जिंदगी गुजार लो, इसमें क्या मसला है? सॉरी भाई, लेकिन मैं अब दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती।
मैं जिन हालातों से गुजर कर आई मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। मैं अकेले ही खुश हूं। मगर तन्हा कैसे जियोगी? जी लूंगी मैं, लेकिन अब मैं अपने दुख अपनी तकलीफें किसी के साथ नहीं बांटूंगी। मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया, मैं अपनी जिंदगी उसी मकसद के सहारे गुजार लूंगी। ऑफिस जा रहे हो ना, जाते हुए मुझे पॉलर छोड़ते हुए जाना, आज ड्राइवर ने छुट्टी की है, और कुछ 1000 रुपए भी दे देना वापसी में, सोच रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग कर लूंगी। हफ्ते में कितनी बार पॉलर जाती हैं? अब आपको मेरे पॉलर जाने पर भी एतराज है? एतराज आपके पॉलर जाने पे नहीं है, हर दूसरे दिन पॉलर जाने पे। तुम्हें एहसास भी है कि तुम ये हैंगआउट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग, पॉलर्स, इस सब की मद में लाखों रुपए खर्च करती हो हर महीने। तो ठीक है, कोई अनोखी बात नहीं है, सोसाइटी की सारी औरतें अपने ऊपर इतने ही पैसे खर्च करती हैं, और उनके शौहर उन्हें पैसे भी देते हैं, लेकिन उनके शौहरों को तो कोई एतराज नहीं होता। हाँ ये बात भी है, क्योंकि उनके शौहर आपकी तरह कंजूस और तंग दिल जो नहीं है, जो बीवी को चंद हजार देते हुए भी 1000 बार सोचें। चंद हजार? Did you just said चंद हजार? ये बिल्स निकाल के काउंट करके देखना, लाखों रुपए बनते हैं। एनीवेज, हाँ मेरे पास सच में तुम्हारी इन फजूल खर्चियों के लिए पैसे नहीं। ये बॉलर्स के चक्कर काटना बंद करो और बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें तो मेड और ये मुलाजमीन के रहमो करम पर छोड़ के चली जाती, मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, एक बार बच्चे स्कूल जाने लगेंगे फिर मैं ये सारी एक्टिविटीज बंद कर दूंगी। तब तक तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे, अब घर बैठे बैठे मोटी होती जा रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मिसेस सारिम की तरह ना मैं हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लूँ, बस उसके लिए आप मुझे 1-5 लाख का चेक दे दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है, 5 लाख रुपए ही मांगे और उसमें देखे ना कितना कुछ मिल जाएगा, जिम, स्विमिंग, पार्लर, सब कुछ तो है, और आखिर में इस सब में आपका फायदा भी तो है। मेरा फायदा कैसे? अब अगर मैं सोसाइटी की सारी अमीर अमीर औरतों के साथ बैठूंगी, शॉपिंग पे जाऊंगी, ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगी, उनके साथ बोलने का सारी चीजें सीखूंगी, तो कल को जब हम आपके दोस्तों में या किसी भी मीटिंग के लिए या कहीं भी आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे कि मिसेज जरबाब तो बहुत एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और बहुत समझदार हैं, इन्हें पहनने ओढ़ने का बहुत ढंग है ना, तो इसमें आपकी ही तारीफ है ना इनडायरेक्टली। Listen. Come here.
महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना ही है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो, ना इखलाक बदलो। थैंक यू। बस लेक्चर ही देना, चेक ना देना। जब पैसे मांग लो लेक्चर देकर निकल जाते हैं। इतना अरसा हो गया और नवीन को बिछड़े हुए, अगर तुम्हारे माहौल में कोई फर्क नहीं आया। सुबह उठती हो, अपने दुपट्टे से नवीन की तस्वीर साफ करती हो, फिर उसे चूमती हो। मुझे आज तक यकीन नहीं आया वजाहत। कि नवीन अब हमारे दरमियान नहीं रही। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो आएगी और पूछेगी कि अम्मी आपके लिए चाय बनाओ, अब वो आपके लिए चाय बनाओ। ये लीजिए आगे। अरे वाह भाई, शाबाश शाबाश। थैंक यू भाई, आज तो नवीन ने बहुत अच्छा लंच कराया। आपको अच्छा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, मैं तो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गया। उसके हाथ में जायका था चाय का, वो तो किसी के हाथ में आया ही नहीं। नवीन दुनिया छोड़ के सुहेब पाकिस्तान छोड़ के चला गया। और हम अभी तक जिंदा है। अरे दुख तो ऐसे थे कि लगता था कि अगली सुबह नहीं देखेंगे, लेकिन देख लो फिर भी जिंदा है। सही कह रहे हैं आप, जाने की उम्र तो हमारी थी, हमारी बच्ची चली गई। अल्लाह हमारी बाकी औलाद की उम्र दराज करे। आमीन। अरे ये देखिए जुहेब की वीडियो कॉल आ रही है। फाइजा देखो। अस्सलाम वालेकुम दादू। दादा जान कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दादा की जान। बेटा जुग जुग जियो, कैसी हो तुम? I'm fine. अरे बेटा आपने हमें कॉल में लाई है, आपके बाबा जानी किधर हैं? बाबा जानी? बाबा को मैं अभी बुलाती हूँ।
बाबा जानी। किसे बात कर रही हो? अरे कैसे हो सोहेब, तुम तो माँ बाप को भूल ही गए। आप लोगों को बोल सकता हूँ भला मैं? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। अभी कुछ देर पहले नवीन से आप लोगों की बात हो रही थी, उसने पता नहीं कब कॉल मिला लिया आप लोगों को। क्या बात है बेटा, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं हुआ मैं, आप लोग उदास ना हो, बस सब ठीक है। अरे बेटा हमें तो अब उदास होने की आदत पड़ गई है, बूढ़े जो हो गए हैं। पहले तुम रोज फोन किया करते थे, अब तुम्हारा फोन हफ्तों नहीं आता। और वो हमारी बहू कहाँ है? उसने भी हमारा फोन सुनना बंद कर दिया। हाँ बेटा, मैं नवाल को फोन करती हूँ तो वो उठाती नहीं है, और तुम भी कई कई दिन हमें फोन नहीं करते। बाबा बहुत टफ लाइफ है यहाँ पे, यकीन करें कभी कभार तो सोने का वक्त भी नहीं मिलता। तो बेटा यहाँ आ जाओ ना, तुमसे मिलने के लिए, नवीन को देखने के लिए बहुत दिल चाह रहा है। मेरा भी बहुत दिल करता है आप लोगों से मिलने का, बहुत जल्द आऊंगा। मुझे अंदाजा है बेटा, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी ना, नवीन की इंक्वायरी नहीं की। इसलिए तुम हमें छोड़कर चले गए, नाराज हो गए हमसे, है ना? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, यकीन करें मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। मैं आप लोगों से भला नाराज हो सकता हूँ? अम्मी नवीन इधर आओ, इधर आओ, ये लो। दादू को कि रोना बंद करें, हम बहुत जल्द उनके पास आ जाएंगे। कब? दादू मत रोना, मैं आपके पास जल्दी आऊंगी। देखो तो जरा, नवीन तो बिल्कुल बनी बनाई मेरी नवीन है, वही आवाज वही आंखें। हाँ ना, देखे अल्लाह ताला ने हमें दोबारा से नवीन लौटा दिए। आ जाओ सोहेब बेटा, बहुत दिल चाह रहा है तुमसे मिलने के लिए, अब आ जाओ बेटा, बहुत दिन हो गए। अरे भाई वो हमारी बहू कहाँ है, उसे भी तो बुलाओ ना। हाँ। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। हाँ हाँ बुलाओ ना बेटा उसे। अरे डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो चाय तो पिए ना आप लोग, चाय चाय ठंडी हो रही है। अम्मी कॉल कट हो गई। आओ जाला, आज की बात तुम इस सीट पर बैठोगे। क्या मतलब, ये तो आपकी सीट है। मतलब ये कि आज से इस स्कूल के तुम प्रिंसिपल हो। मैम लेकिन दरअसल उजाला मुझ में अब हिम्मत ही नहीं रही। मेरे डॉक्टर ने मुझे आराम का मशवरा दिया, उसने कहा कि अगर आप इसी तरह काम करती रहें तो 4 साल की बजाय आप 4 महीने में अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। लाना करे मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं।
अगर चाहती हो कि ऐसा ना हो तो फिर ये सीट संभालो। मैम मैं ये सीट डिजर्व नहीं करती। किसने कहा तुम डिजर्व नहीं करती? इस पूरे स्कूल में एक तुम ही तो हो जो डिजर्व करती हो। कोई मेरे दिल से आके पूछे ना कि तुम कितनी अहल हो। अल्लाह ताला ने मुझे दिल की आंख से देखने की सलाहियत दी है उजाला, और मैंने तुम्हें बसारत से नहीं बसीरत से पहचाना है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। मैंने जब से स्कूल ज्वाइन किया आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना ख्याल रखा मेरा, और मैंने आपकी बात ही नहीं मानी। छोड़ो उजाला, भूल जाओ उस बात को। वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। जोया भी तो बड़ी होती जा रही है और तुम्हें पता है माहौल कितना खराब है। मैं उसे अब अकेला छोड़ना नहीं चाहती, और सच पूछूं तो मुझमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि मैं जोया को भी देखूं और स्कूल को भी। और मेरे लिए जोया और स्कूल दोनों ही बहुत अजीज है, बहुत कीमती है। पहले सोच रही थी कि जोया को तुम्हारे हवाले करूं, अब स्कूल की जिम्मेदारियां तुम्हें देना चाह रही हूं। मैम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो जिम्मेदारियां आप मुझे दे रही हैं मैं उन्हें पूरा कर सकूं। और इस स्कूल को उसी तरह से संभाल सकूं जैसे आप संभाल रही हैं। अच्छा तो फिर मेरे सामने बैठो इस सीट पर। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।